हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुक कीजिए। आज मैं आपको वेज बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। वेज बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने चावल लिया है। चावल में मैंने गरम मसाला नमक डाला है और मैं सबसे पहले चावल तैयार करूंगी। हमारा चावल बिल्कुल तैयार है और अब हम वेज की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फूलगोभी और आलू को काट लिया है, साथ ही मैंने मटर भी रख लिया है। मैं धनिया के पत्ते को भी काट लूँगी और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। और फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, गुलकी पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ऑयल और नमक स्वाद अनुसार यूज करके वेजीज तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें गोभी डालूँगी। सब्जियों को फ्राई करेंगे, हमेशा नमक डालकर फ्राई करेंगे और अच्छे से लाल करके फ्राई करेंगे ताकि सब्जी बहुत टेस्टी हो, क्योंकि अगर कच्ची रहेगी तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगेगी और ये हमें वेज बिरयानी में ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा गोभी तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और अब मैं इसमें आलू डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब आलू डाल दिया है। अब हम इसे भी डीप फ्राई करेंगे। हमारा आलू तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम मटर फ्राई करेंगे। दोस्तों, अब हमारा मटर भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और अब मसाले तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने मसाला तैयार कर लिया है। बहुत सारे लोगों के पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता है तो उन्हें यह शिकायत होती है कि मैं इस रेसिपी को कैसे बनाऊंगी। मैंने इस रेसिपी में कोई भी मसाला पीसा नहीं है। मैंने प्याज को बारीक काटा है और लहसुन को कूच लिया है और हरी मिर्च और धनिया का पत्ता और लहसुन के पत्ते को यूज किया है और सारे जितने भी मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गुलकी पाउडर, हल्दी पाउडर होता है उन सबको यूज किया है। तेल आवश्यकता अनुसार यूज किया है और नमक स्वाद अनुसार यूज किया है। और अब मैं इस मसाले को तैयार कर लूँगी और इसमें सारी सब्जियाँ डाल लूँगी। यह रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अब सारी सब्जियाँ डाल दी हैं क्योंकि हमारा मसाला तैयार हो चुका था। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी सब्जी या किसी भी रेसिपी को ट्राई करें तो फ्लेम को प्रॉपर हाई लो करते रहें। टाइम टू टाइम हाई लो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ हाई में बनाएंगे, हाई फ्लेम में बनाएंगे तो भी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी और अगर सिर्फ लो फ्लेम में बनाएंगे तो भी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हाई लो करते रहें। अब मैं इसे थोड़ा सा मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी और इसमें हल्का सा पानी दूँगी और फिर ये थोड़ी ही देर में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मैं इसमें कम ही पानी दूँगी, ग्रेवी नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे इसे वेज बिरयानी बनाना है। देखिए दोस्तों, मैंने पानी लगा दिया है, अब यह सब्ज़ी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। हम इसे 10 मिनट के बाद खोलकर देखेंगे तो यह सब्ज़ी बिल्कुल तैयार रहेगी। देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें लेयर बाय लेयर चावल के साथ वेज बिरयानी तैयार कर दूँगी। इस तरीके से लेयर बाय लेयर डाल करके हम वेज बिरयानी तैयार कर लेंगे और ये है हमारी कढ़ाही वेज बिरयानी। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी है, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम इसे फ्यू सेकेंड्स दम लगाने के लिए तेज फ्लेम पर छोड़ेंगे। तो हमारी वेज बिरयानी कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।